हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स यस बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीवाई का एक इम्पॉर्टेंट थियरी दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी न टीवाई लेवल पे परचेजिंग पावर पैरिटी जो थियरी है इसके दो वर्जन यानी दो क्वेश्चन जनरली डिमांडेड होते हैं दैट इज एप्सल्यूट वर्जन ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी या एप्स या रिलेटिव वर्जन ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी यानी ये दो क्वेश्चन जो है वो हमारे थियरी दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बच्चों ट्रिपल पी थियोरी इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आज हम फर्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रिपल पी थियरी यानी एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरेटी विथ क्रिटिसिज्म जो हर थियरी के होते हैं क्योंकि हर इकोनॉमिस्ट का एक अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है टू तो ऑब्जर्व द थियोरी तो आज हम देखेंगे एप्सल्यूट वर्जन ऑफ ट्रिपल पी थियरी इन अ वेरी इजी वे एज यू नो दैट सिंपलिसिटी इज अवर मेन मोटो। न जब हम देखते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी है इसको हम जनरली कंसिडर करते हैं फॉर कंपेयरिंग द एक्सचेंज रेट जब भी किसी भी कंट्री का एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है तो जनरली हमने देखा कि वो मार्केट फोर्सेस पे डिसाइडेड होता है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों प्रीवियस पार्ट में हम देख चुके हैं कि किस तरह से हमारे इकनॉमी एक में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है यानी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का क जहाँ इंटरसेक करता है सप्लाई ऑफ़ फॉरेन करेंसी का वहाँ पे जनरली एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है अच्छा हमने ये भी देखा था ये जो एक्सचेंज रेट है पहले डिसाइडेड होता था गोल्ड पे भी वो भी हम देखने वाले हैं एक अलग से थियोरी हम डिस्कस करेंगे जिसमें इस थियोरी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे स्वीडन के इकोनॉमिस्ट एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट था गस्टव कासरम नाउ ही वाज द मेन फाउंडर ऑफ द स्वीडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसने हमें एक्सप्लेन किया कि हम एक्सचेंज रेट जो है जो दो कंट्री का हम डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर इक्विटी यानी पैरिटी यानी दो कंट्री के अलग अलग हम लोग जो चीज़ें हैं यानी गुड्स हैं जो दोनों कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन दोनों कंट्रीज़ का जब हम परचेजिंग पावर को बैलेंस करते हैं यानी वी विल ट्राई टू तो सी द परचेजिंग पावर ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन बोथ द दे कंट्री देन वी विल डिसाइड द एक्सचेंज रेट ये सोच थी गस्टव कासिल की तो गस्टव कासिल ने हमें बताया कि जब हम दो कंट्रीज़ के बीच का परचेजिंग पावर जो है वो हम डिसाइड करते हैं यानी कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपने करंसी को दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं जिसे हम सपोज अगर बात करते हैं जाने दो हम लोग इस परचेजिंग पावर पैरिटी को हम वन प्राइस थियरी भी कहते हैं बच्चों अब क्या है हर कंट्री में हम लोग देखते हैं करेंसी का यूनिट अलग अलग होता है जैसे वी आर इंडियंस तो हमारे इंडिया में बच्चों कौन सा करेंसी का यूनिट है रुपीज़ अगर हम यू की बात करें तो यू में क्या यूज़ होता है बच्चों डॉलर्स अगर हम यू में हैं तो क्या यूज़ होता है बच्चों पाउंड्स तो इस तरह से अलग अलग करेंसीज़ जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में यूज होती हैं कहीं यूरो यूज होता है कहीं रियाल यूज़ होता है कहीं पाउंड्स यूज़ होते हैं कहीं दिनार यूज़ होते हैं तो हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है तो गस्टम कासिल का कहना था कि जब हम दो के सेम गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट अगर हम लेते हैं नॉट द सिंगल गुड्स क्योंकि अकॉर्डिंग टू गस्टिव कॉसिल जो था उन्होंने कहा था कि दो डिफरेंट कंट्रीज का जो हम परचेजिंग पावर जब हम कंपेयर करते हैं तो करेंसीज़ को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो इट शुड बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन सिंगल कमोडिटी एक कमोडिटी नहीं लेनी है जैसे हम शुरुआत ऐसे करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं सपोज दो कंट्रीज के बीच में हम कंपेयर करते हैं से फॉर एग्जाम्पल मिल्क जो है अब सपोज हमने मिल्क लिया मैंने मिल्क कितने में लिया सपोज आई हैचेज द मिल्क फॉर रुपीज सिक्सटी मैंने सिक्सटी रुपीज़ में मिल्क लिया मैंने एक लीटर मिल्क का सिक्सटी रुपीज़ में लिया लेकिन अगर सेम मिल्क मैं यूएस में परचेज कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है डॉलर वन में सपोज आई हैव टू पे वन डॉलर मैंने एक डॉलर दिया तो बच्चों यानी सेम एक लीटर मिल्क का मैंने यहाँ परचेज़ किया सिक्सटी रुपीस पे किया वही एक लीटर मिल्क का मैंने यूएस में परचेज़ किया तो मैंने वन डॉलर दिया यानी परचेजिंग पावर क्या है एक डॉलर का सिक्सटी रुपीज़ एक डॉलर का सिक्सटी तो गस्टर का क्या कहेगा कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर जो इंटरनल परचेजिंग पावर है एक कंट्री का उसको जब हम कंपेयर करते हैं उसी बेसिस पे एक्चुअली में फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होना चाहिए भाई जैसे हमने देखा कि मैंने एक लीटर जो है मिल्क लिया तो इंडिया में दे रही हूँ सिक्सटी रुपीज़ लेकिन अगर मैं अमेरिका में हूँ यूएस में हूँ तो आई हैव टू पे वन डॉलर दोनों का हमने क्या किया एक ही करेंसी दोनों देशों में अलग है बच्चों क्योंकि हमारे देश में रुपीस होता है यूएस में डॉलर है लेकिन दोनों के परचेजिंग पावर को मैं इक्वल कर रही हूँ यानी इंटरनल परचेजिंग पावर इन इंडिया उसको कंपेयर कर रही हूँ इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ यू दोनों को कंपेयर किया तो यानी वन डॉलर इज़ इक्वल टू सिक्सटी ओके या सपोज से फॉर एक एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ इंडिया में गई और मैंने मॉल में देखा मुझे एक बहुत अच्छी जो शर्ट है या टी शर्ट है वो पसंद आ गई सपोज़ जो शर्ट है उसकी प्राइस में मैंने दिया वन थाउजेंड मैंने वन थाउजेंड उसका प्राइस पे कर दिया अब सपोज वही अगर सेम वही जो है वो अगर सेम शर्ट जो है अगर मैं अमेरिका में ले रही हूँ तो आई हैव टू पे द ट्वेंटी डॉलर्स मुझे ट्वेंटी डॉलर्स जो है वो देने पड़ रहे हैं अब यहाँ पे एक शर्ट जो है वो ट्वेंटी डॉलर्स में यूएस में लेकिन एम, इंडिया में जब मैं वही शर्ट परचेस कर रही हूँ सेम ब्रांड तो वहाँ मुझे कितना देना पड़ रहा है वन थाउजेंड यानि आपका एक डॉलर जो है एक डॉलर कितने का हो गया फिफ्टी फिफ्टी रुपीज ऑफ इंडिया देखो कंपेयर कर रही हूँ सेम इक्विटी पे लेके दैट इज़ दैट इज वाई इट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी यानी इक्विटी ट्वेंटी डॉलर्स में मैंने में अमेरिका में लिया यहाँ मैंने वन थाउजेंड में लिया यानी वन आपका डॉलर इक्वल टू फिफ्टी तो देखो ये है हमारा एक्सचेंज रेट या से फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज एक इस तरह से हम डिफरेंट प्रोड्यूस गुड्स जो हैं सपोज मैंने मोबाइल लिया अब मोबाइल को मैंने यहाँ पे किया सपोज़ ट्वेंटी थाउजेंड में मैं यहाँ ट्वेंटी थाउजेंड में पे करें मेरे इंडियन रुपीज़ में आई यूज़ हैव टू पे ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ लेकिन अगर वही सपोज़ अगर मुझे अमेरिका के पाँच सौ डॉलर में मुझे पे करना पड़ रहा है पाँच सौ डॉलर तो अब एक्सचेंज रेट क्या होगा वन डॉलर इज इक्वल टू फोर्टी तो इस तरह से ये क्या है हर एक इंडिविजुअल तो मुझे सिंगल कमोडिटी नहीं लेनी है बच्चों मुझे सिंगल कमोडिटी नहीं लेनी है मुझे क्या लेना है बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जब मैं उनको कंपेयर करती हूँ भाई सपोज अगर मैं मॉल में गई और वहाँ पे मॉल में मैंने अलग अलग चीज़ें लिया मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ले लिया या सपोज हमने ब्रेड ले लिया या हमने वहाँ पे मोबाइल लिया हमने शर्ट्स लिया जितने भी हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ले रहे हैं सपोज मैंने वो पूरे बास्केट में बैन हम मॉल में जाते हैं तो वो यूज टू ट्रैक द ट्रॉली विथ अवसल हम बास्केट अपने साथ लेते और जो जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड रहती है वो हमने अपने बास्केट में डाल दिया तो सपोज हमने अपने बास्केट में जो भी जो चीज़ें हमारे रिक्वायर्ड थी वो मैंने अपने बास्केट में एज पर आवर रिक्वायरमेंट डाल दी अब जब मैं इंडिया में उसको पे कर रही हूँ यानी बास्केट मेरा पूरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई लास्ट में फाइनल काउंटर पे आई हैव टू क्लियर माय बिल्स तो जब मैं बिल पे कर रही हूँ सपोज मेरा फोर थाउजेंड बिल आए ओके ये कहाँ पे मैंने पे किया बच्चों इंडिया में अब सपोज यही सेम बास्केट ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज आई एम गोइंग टू परचेज इन यूएस अगर मैं यूएस में हूँ और यूएस में भी अगर मैं इसी तरह से अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को सेटिसफाई करते समय बटर है चीज़ है मिल्क है कोल्ड ड्रिंक्स हैं ब्रेड है या शर्ट्स हैं या ट्राउजर्स हैं या जीन्स हैं या शूज़ हैं या पर्स है वॉचेज़ हैं सब मैंने अपने बास्केट में डाल दिया जो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने उसको बास्केट में डाल दिया अब वहाँ बास्केट में डालने के बाद सेम रिक्वायरमेंट जिसके लिए मैंने इंडिया में पे किया फ़ोर थाउजेंड लेकिन जब मैं यूएस में हूँ तो आई यूस्ट टू पे हंड्रेड डॉलर्स मैं हंड्रेड डॉलर्स पे कर रही हूँ यहाँ मैंने फोर थाउजेंड पे किया जब मैं अमेरिका में हूँ तो आई यूस टू पे हंड्रेड डॉलर तो देखो दोनों का अगर हम परचेजिंग पावर बच्चों कंपेयर करें तो क्या होगा वन डॉलर इज इक्वल टू फोर्टी तो ये लॉजिक था गस्टव कासल का गस्टव कासल का कहना था कि परचेजिंग पावर के बेसिस पे एक्सचेंज रेट को डिसाइड करना चाहिए लेकिन हमने जनरली देखा जब ऐसा होता है जब हम ऐसी चीज़ें कंपेयर करते हैं तो हमारा परचेजिंग पावर जब एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो एक्सचेंज रेट लोअर आता है बच्चों लेकिन जब हम एक्चुअल देखते हैं अगर आज की हम बात करें अगर हम मार्केट फोर्सेस से जब देखते हैं डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन जहां होता है तो वहां पे हम देखते हैं वन डॉलर इज इक्वल टू एटी विच इज़ वेरी हाई देन परचेजिंग पावर पैरिटी से उसके कंपैरिजन से ज़्यादा है जब हम बास्केट ऑफ गुड्स देखते हैं तो मे बी कि वन डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी एवरेज हमें मिल जाए लेकिन जब हम मार्केट फोर्सेज बच्चों देखते हैं तो वहाँ वन डॉलर इज इक्वल टू एटी दैट इज़ वाई मिनी इकोनॉमिक जो है वो इस परचेजिंग पावर पैरिटी को कंपेयर नहीं करती यानी वो फा जो है वो अपने इसमें यूज़ नहीं करते क्यों क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी से एक्सचेंज रेट क्या मिलता है हमें कम मिलता है दैट इज़ वाई लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ जब दो कंट्रीज़ का कम्पेरिजन करते हैं तो अगर कंपेरिजन देखें बच्चों तो इसमें हम क्या देखते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी जो हमारे गस्टर कासिल ने हमें बताई क्योंकि जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी से देखते हैं तो हमारे इंडिया का परचेजिंग पावर जो है वो थर्ड लेवल पे है फर्स्ट यूएस का है सेकंड चाइना का है थर्ड इंडिया का है क्योंकि जब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में देखते हैं तो हमारे इकोनॉमी का परचेजिंग पावर काफी हाई है तो उस लेवल पे यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो हमारा कंजम्पशन पैटर्न हो तो वही यूज्ड दिस परचेजिंग पावर पैरिटी तब हम परचेसिंग पावर पैरिटी को देखते हैं कि ओवरऑल हमारा कंजम्पशन क्या है क्योंकि अवर कंजम्पशन विल रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो हमारे कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रिफ्लेक्ट करता है तो इसके लिए जनरली हमने सोचा था एक्सचेंज रेट के लिए कि हम इस परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज करेंगे लेकिन जब हम स्टैंडर्ड्स कंपेयर करते हैं तो जनरली वी यूज टेक द परचेजिंग पावर पैरिटी ओके okay बच्चों तो चलो हम देखते हैं कि पहले शुरुआत में हम क्या लिखेंगे क्योंकि ये ओवरऑल हम थियोरी तो समझ गए अब इस थियरी को प्रेजेंट कैसे करना है पहले फर्स्ट आपको लिखना है कि व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी तो इस परचेजिंग पावर पैरिटी को इस थियोरी को डेवलप किसने किया स्वीडन के इकोनॉमिस्ट यानी स्वीडिश इकोनॉमिस्ट गस्टव कासिल गस्टव कासिल ने इस थियोरी को डेवलप किया नाउ अकॉर्डिंग टू गस्टव कासिल द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज इज डिटरमाइंड यानी दो देशों के बीच में जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिसाइड होता है बाय द परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय देयर परचेजिंग पावर क्योंकि परचेजिंग पावर इज मेन परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ये जनरली एक्सप्लेन करता है डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इक्वेलिब्रियम ऑफ अ कंट्री वो हमारी इकोनॉमी का लॉन्ग रन इक्वलिब्रियम लेवल हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है नाउ एक्सचेंज रेट जो है जनरली ये बेस्ड होता है ऑन रिलेटिव प्राइस लेवल ऑफ टू कंट्रीज यानी दो कंट्रीज की जो हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं गुड्स ले रहे हैं उनकी रिलेटिव प्राइसेस क्या हैं जनरली इस थियोरी को तो हम वन प्राइस थियोरी भी कहते हैं क्योंकि दोनों में हम क्या कर रहे हैं दोनों करेंसी को इक्वेट कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं इक्वल कर रहे हैं तभी हमने कहा ये परचेजिंग पावर पैरिटी है तो इसके लिए हम क्या करें यहाँ एक्सचेंज रेट जो है वो बेस हो रहा है ऑन द रिलेटिव प्राइस लेवल ऑफ टू कंट्रीज यानी हम अज्यूम करते हैं दोनों कंट्रीज़ में होमोजीनियस गुड्स आर प्रोड्यूस दोनों कंट्रीज़ में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वन प्राइस प्रवेल कर रहे हैं हाँ अगर हम यू में पे कर रहे हैं तो डॉलर्स में पे कर रहे हैं इंडिया में पे कर रहे हैं तो हम रुपीज़ में पे कर रहे हैं यू में पे कर रहे हैं तो सपोज़ हम लोग ब्रिटेन में हैं तो हम पे कर रहे हैं पाउंड्स में तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में हम करेंसी अलग अलग हो रही लेकिन परचेज़ वही गुड्स कर रहे हैं और जब हम दो करेंसी को कंपेयर कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है परचेजिंग पावर पैरिटी ना ये जो थियरी है इट इज़ बेस्ड ऑन सम सम्पशन और इसके अजम्पन है जैसे फर्स्ट फर्स्ट पहला पहला देयर इज नो ट्रेड का बैरियर बिटवीन द कंट्रीज दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए ना यानी जब दोनों कंट्रीज़ के बीच में बैरियर नहीं होना चाहिए यानी वहाँ पर होना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और जनरली हम देखते हैं हमारी इस एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं ताकि हर कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो वो फेवरेबल हो ये आप देखते हो क्योंकि जनरली हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या दिखाई देता है डिसिकुलब्रियम और डिसिकलेब्रियम भी कौन सा अनफेवरेबल नेगेटिव यानी डेफिसिट हमें दिखाई देता है बिकॉज इम्पोर्ट इज़ हायर देन एक्सपोर्ट तो हमें पे ज़्यादा करना पड़ता है फॉर देट सेक टाइम गवर्नमेंट पुट सम रेस्ट्रिक्शंस अब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस डाल देती है कभी टैरिफ का कभी कोटा का तो जब रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं तो प्रॉब्लम आता है लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रेड का बैरियर ही नहीं यानी न ट्रांसपोर्ट का उन्होंने कॉस्ट कंसिडर किया न टैरिफ की रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने ले ना ना कोटा का उन्होंने कुछ कोई रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया न सब्सिडीज उन्होंने दिखाया तो देयर इज नो ट्रेड बैरियर्स बिटवीन द कंट्रीज जब ट्रेड बैरियर्स नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू गस्टव ऑफ हम दो देशों का जो परचेजिंग पावर है उसको इक्वेट यानी पैरिटी हम कंपेयर कर पाएंगे तो पहला पहला आजम्पन ये था जो बनेगा हमारे इस थियोरी का एक क्रिटिसिज्म ये क्रिटिसिज्म भी बनेगा क्योंकि एक्चुअली में जब हम देखते हैं तो देयर आर सम ट्रेड बैरियर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को यहाँ इग्नोर किया गया टैरिफ नहीं लिया गया कोटा फिक्स होती हैं वो नहीं कंसिडर किया गया तो इन एक्चुअल सेंस वी आर फाइंडिंग देयर आर सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस बट इन दिस थियरी इट इज अज्यूम्ड कस्ट दैट इज गस्ट कासल कि देयर इज नो ट्रेड बैरियर्स बिटवीन द टू कंट्रीज सेकेंड उसने कहा ऑल द प्राइस ऑफ गुड्स मस्ट बी इंडेक्सड इन सेम नंबर जितने भी बास्केट में हम गुड्स ले रहे हैं सर्विसेज ले रहे हैं उनके प्राइसेस सेम ईयर में हम इंडेक्स जो है वो उसका निकाला जाए यानी अगर हम करंट ईयर में सपोज मैं 23 में अगर उसको ले रही हूँ तो उसका इंडेक्स नंबर भी उस करंट टाइम के हिसाब से निकाला जाना चाहिए तो सभी प्राइसेस का ऐसा नहीं कि हमने मोबाइल का करंट में ले लिया और सपोज अगर दूसरा प्रोडक्ट हमने बटर का लिया उसका मैंने ट्वेंटी टू का ले लिया तो ऑल द प्राइज मस्ट बी इंडेक्स यानी कैलकुलेटेड फॉर द सेम टाइम पीरियड टाइम पीरियड सेम होना चाहिए उसमें शफल नहीं होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज कंपैरिजन जो होगा वो लॉजिकल नहीं होगा वो जस्टिफाइड नहीं होगा तो अगर हमें कंपेयर करना है तो पीरियड शुड बी सेम इन बोथ द कंट्रीज जो भी हम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं सेम टाइम पे जैसे मैंने कहा कि मैं मॉल में जा रही तो जो आज की डेट में मेरा बिल निकला और उसी टाइम पे जब मैं यूएस में देख रही हूँ तो पीरियड शुड बी सेम अदरवाइज क्या होगा देयर विल बी सम वेरिएशन इन द प्राइसेस क्यों क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही रहता है और उस इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस इंडेक्स में इफेक्ट आता ही है तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा अगस्ट कासल ने कि ऑल द प्राइस ऑफ गुड्स मस्ट बी इंडेक्स इन टेकन इन सेम पीरियड ऑफ टाइम थर्ड उन्होंने कहा द प्राइस इंडेक्स नंबर इंक्लूड द सेम बास्केट ऑफ गुड्स इन बोथ कंट्रीज दोनों कंट्रीज में हम वही चीजें ऐड करेंगे और उन्हीं चीजों का कंपैरिजन देखेंगे जो मैंने चीजें इंडिया के बास्केट में ली वही चीज़ें मुझे एब्रॉड के बास्केट में यानी फॉरेन कंट्रीज के बास्केट में लेना है तभी कंपैरिजन जो है वो जस्टिफाइड होगा वो करेक्ट होगा अक्यूरेट होगा तो अकॉर्डिंग टू गस्टव कासल द प्राइस इंडेक्स नंबर इंक्लूड द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो चीज़ें मैंने यहाँ ली वही वहाँ लेना है यहाँ मैंने कंडेंस मिल्क मिल्क लिया तो वहाँ पर भी मुझे कंडेंस मिल्क लेना है यहाँ मैंने बटर लिया वहाँ भी बटर लेना है यहाँ पर मैंने मिल्क लिया वहाँ पर भी मुझे मिल्क लेना है यहाँ शर्ट लिया वहाँ पर भी शर्ट लेना यानी बोथ द बास्केट मस्ट बी सेम सेम होना चाहिए नेक्स्ट है द कंसर्न गुड्स जो है इट मस्ट बी होमोजीनियस इन बोथ कंट्रीज जो भी मैं बास्केट में गुड्स ऐड कर रही हूँ वो दोनों में सेम होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए इन शेप हो साइज हो कलर हो दीज आर द दजम्पशन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यही सब हम लिमिटेशंस में करने वाले हैं बट वाइल फ्रेमिंग डेवलपिंग दिस थियरी, गस्टव कासल अज्यूम्ड दीज कंडीशंस और उन्होंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन कि द लॉ ऑफ वन प्राइस प्रिवेल इन द मार्केट यानी आपका जो प्राइस है वो सेम होना चाहिए वन प्राइस प्रवेल होना चाहिए दैट इज़ वाई आई टोल्ड कि गस्टव कासिल के इस थियरी को हम वन प्राइस थियरी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उसका कहना था कि दोनों कंट्री में परचेजिंग पावर सेम होना चाहिए यानी गुड्स भी होमोजीनियस प्राइस भी एक यानी यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल होना चाहिए दैट इज़ वाई ही सेड वन प्राइस प्रिवेल तो ही टेक फ्यू अजम्पशन पहला था देर आर नो ट्रेड का बैरियर्स नो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा नो no टैरिफ का रिस्ट्रिक्शंस होगा नो कोटा विल बी फिक्सड ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे सेकंड जो प्राइजेस होंगे गुड्स के वो इंडेक्स होंगे इन द सेम टाइम पीरियड में उसी समय यानी जिस टाइम में आप ले रहे हो दोनों में टाइम पीरियड सेम हो ताकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं हो प्राइस का फ्लक्चुएशन वेरिएशन वो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए अदरवाइज रिजल्ट विल नॉट बी एक्यूरेट थर्ड जो प्राइस इंडेक्स नंबर हम ले रहे हैं इट इंक्लूड द सेम बास्केट ऑफ गुड्स इन बोथ द कंट्रीज और इसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ वन प्राइस प्रवेल इन बोथ द मार्केट और फाइनली ही द कंसर्न यानी रिलेटेड गुड्स इट मस्ट बी होमोजीनियस इन बोथ द कंट्री दोनों कंट्रीज में सेम होना चाहिए अब सपोज टीबाई में आपसे पूछा गया एप्सल्यूट थियरी अगर उन्होंने पूछा विद लिमिटेशन तो भी हमने पहले इंट्रोडक्शन फिर अजम्शन फिर आते हैं थर्ड दैट इज वर्जन और द टाइप्स ऑफ आपकी परचेजिंग पावर पैराटी तो दो वर्जनस है दो टाइप हैं एक है एप्सल्यूट वर्जन ऑफ ट्रिपल पी थियरी और दूसरा है रिलेटिव वर्जन ऑफ ट्रिपल पी थियरी ओके बच्चों तो आज हम कर रहे हैं एप्सल्यूट और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रिलेटिव वर्जन ऑफ ट्रिपल पी थियरी वो भी विथ लिमिटेशन के साथ अब जब हम आज एप्सल्यूट वर्जन देख रहे हैं एप्सल्यूट में हमने क्या देखा कि जब भी हम एप्सल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी देखते हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो डिसाइड होता है बिटवीन टू करेंसी ऑफ टू डिफरेंट कंट्री कैसे डिसाइड होता है बाय देयर इंटरनल परचेजिंग पावर तो अंडर द ट्रिपल पी थियरी द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू करेंसीज ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज इट इज डिसाइडेड बाय डिसाइडेड बाय परचेजिंग पावर हम परचेजिंग पावर से उसका जो है वो हम लोग डिसाइड करते हैं एक्सचेंज रेट इट मींस द रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी डिसाइडेड डिसाइड होगा जहां इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ सपोज इंडिया इज इक्वल टू इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ यूएस दोनों का परचेजिंग पावर सेम जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज में सपोज अगर मैं प्राइस ले रही हूँ सपोज फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड इंडिया में मैं पे कर रही हूँ और वन हंड्रेड डॉलर में यूएस में पे कर रही हूं. सपोज मैं मॉल में गई मैंने अलग अलग चीज़ें एज पर माई रिक्वायरमेंट आई पुट इन माई बॉस्केट और उसके लिए हाउ मच आई पेड फोर थाउजेंड मैंने पे किया लेकिन सेम गुड्स एंड सर्विसेज बेन आई परचेज इन यू एस ए तो हाउ मच आई पेड इट हंड्रेड डॉलर तो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू गस्ट कौसिल द इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ इंडिया अपॉन द इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ यू एस ए यानी P अपॉन पी जीरो या कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखाई देगा P अपॉन पी वन किसी भी दो कंट्रीज का हमें प्राइस लेना है या p1 वन अपॉन पी ऐसे भी ले सकते हैं तो दोनों प्राइसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं बच्चों तो इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ इंडिया अपॉन इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ यूएसए यानी 4000 थाउजेंड अपॉन वन यानी यानि चालीस रुपया इज इक्वल टू वन डॉलर ये क्या हो गया हमारा एक्सचेंज रेट तो गस्टव कासिल का कहना है हमारा एक्सचेंज रेट परचेजिंग पावर के बेस पे डिसाइड हो गया यानी हमारा एक डॉलर और उनका चालीस यानी उनका एक डॉलर हमारा चालीस रुपया वो थार इक्वल यानी परचेजिंग पावर इक्वल है क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें मैं इंडिया में ले रही हूँ आई हैव टू पे फोर थाउजेंड वही चीज़ें जब मैं यू में ले रही हूँ मुझे सौ डॉलर देना पड़ रहा है यानी आपका परचेजिंग पावर कितना है बच्चों वन डॉलर इज इक्वल टू फोर्टी अब एक्चुअली देखा जाए परचेजिंग पावर से हमारा एक्सचेंज रेट काफ़ी जो है वो पॉजिटिव है यानी अगर ये हम फॉलो करें तो हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से परचेज़ करते हैं लेकिन इन एक्चुअल सेंस हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिसाइड होता है बच्चों मार्केट फोर्सेस से यानी डिमांड एंड सप्लाई जो काफ़ी हायर है हम कहें एग्जैक्टली इसका डबल है क्योंकि वन डॉलर इज इक्वल टू एटी वो हायर रहता है तो इस तरह से हमें दिखाई देता है अब इसमें हम थोड़ा फ्लक्चुएशन देखते हैं किस तरह से फ्लक्चुएशंस देखते हैं सपोज जब ही हम एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी को हम कंपेयर करते हैं कंपेयर करते हैं हमने इस तरह से डिसाइड कर दिया कि वन डॉलर इज इक्वल टू फोर्टी नाउ सपोज कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हर कंट्री में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बदलती है गवर्नमेंट के पॉलिसीज बदलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बदलती है तो सपोज़ अगर किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक प्राइस में राइज हो गया से फॉर सपोज इंडिया इंडिया में प्राइस जो है वो बढ़ गया क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ गई बिकॉज ऑफ राइज इन द प्राइज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल उसकी वजह से जो है वो थोड़ा परचेजिंग पावर लोगों का कॉस्टली हो गया हाँ सपोज अगर ऐसा होता है सपोज इन केस कि देयर इज राइज इन द टू फॉरेन का प्राइस लेवल उधर कुछ नहीं हुआ महंगाई किधर बढ़ी इंडिया में बढ़ी फॉरेन में नहीं हुआ यहाँ पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज में उन्होंने जो है वो बढ़ा दिया थोड़ा थोड़ा इफेक्ट सब पे आ गया यानी प्रेशर तो आया हमारे कस्टमर के बजट पे हमारे पॉकेट पे तो वही हैव हाँ टू पे मोर जब हम वही बास्केट ऑफ गुड्स लेंगे मॉल में तो हमें ज़्यादा दे पे करना पड़ेगा अब जब हमें ज़्यादा देना है ज्यादा पे करना है तो बट नेचुरल अब इस समय हमारे करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी डिप्रिशिएट से फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ें आज जनवरी में हम फोर में जो है हम परचेज करते हैं सपोज पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया और उस पेट्रोल के प्राइस में बढ़ने की वजह से देयर इज राइज इन द डोमेस्टिक प्राइस लेवल ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज तो मार्च में उसी चीज़ों में जब हम देखते हैं तो आई यूज टू पे उसी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है आई पे फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मैंने साढ़े चार हज़ार दिया लेकिन अमेरिका में स्टिल सेम प्राइज इज़ गोइंग ऑन वहाँ पे अभी भी मुझे जो है वो सौ डॉलर जो है वो पे करने पड़ते हैं न जब ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे आपका वन डॉलर जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्टी फाइव यानी यानी नाउ आई हैव टू पे मोर मेरा जो करेंसी है वो फाइव रुपीज से डेप्रीशियट हो गया यानी हमारा रुपी वीक हो गया और इंडियन जो अमेरिकन डॉलर है वो स्ट्रांग हो गया इस तरह से हम देखते हैं कि सपोज ऐसा सिचुएशन रिवर्स भी हो सकता है इफ देयर इज इन्फ्लेशन फाउंड इन द अमेरिका अगर यूएस में अगर इन्फ्लेशन आ गया तो उनके करेंसी की वैल्यू वीक हो जाएगी एंड इंडियन रुपी विल बिकम स्ट्रांगर ऐसा होता है जहाँ इन्फ्लेशन आया और इन्फ्लेशन की वजह से वे डायरेक्टली अफेक्ट ऑन योर परचेजिंग पावर वो परचेजिंग पावर पे अफेक्ट करता है और जब हम दो कंट्रीज़ के परचेजिंग पावर के बास्केट को कंपेयर कर रहे हैं तो बटन अचल जिस देश में हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा है वहाँ पे यू हैव टू पे द मोर प्राइस हमें हायर प्राइजेस देने हैं और जब हायर प्राइस देते हैं तो उस कंट्री की करेंसी का वैल्यू कम हो गया रिड्यूस हो गया और दूसरे देश की जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट हो गई वो करेंसी स्ट्रांग हो गई इस तरह से गस्टव कासल ने कहा कि सपोज इन्फ्लेशन आता है तो जहाँ इन्फ्लेशन आया वो करेंसी डेप्रिशिएट होती है और अगर सपोज सामने जो आपका करेंसी है यानी जो कंट्री है वहाँ पे भी इन्फ्लेशन आया तो फिर वहाँ की करेंसी भी डेप्रिशिएट हो सकती है तो इस तरह से सिचुएशन जो है जब हम देखते हैं तो उस बेसिस पे यानी जो परचेजिंग पावर है भले फ्लक्चुएशन है समटाइम इन्फ्लेशन समटाइम रिसेशन सो देयर इज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इन द इकोमी यानी उस करेंसी में कभी कभी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है समटाइम योर करेंसी विल बिकम स्ट्रांगर और वो किसकी वजह से होता है ड्यू टू तो राइज और फॉल इन द डोमेस्टिक प्राइस लेवल ओके बच्चों तो ये है एप्सल्यूट वर्जन ऑफ चेजिंग पावर पैरिटी जिसमें एब्सोलूटली हम क्लियरली क्या देखते हैं कि हमने गुड्स लिया जो हम ट्रेडेड कर रहे हैं उनका प्राइस इंडेक्स निकाला बास्केट में हमने देखा उनकी जो प्राइस हम पे कर रहे हैं जैसे फोर थाउजेंड उसको अगर हम सेम गुड्स बास्केट का या सर्विसेज का गुड्स एंड सर्विसेज का हम यू एस में ले रहे हैं और वी यूज टू पे द हंड्रेड डॉलर तो दोनों के परचेजिंग पावर को मैंने क्या किया कंपेयर किया जहाँ इक्वल हुआ तो हमने कहा परचेजिंग पावर पैरिटी यानी इक्विटी हमने दोनों को बैलेंस किया लेकिन अगर वही एब्सल्यूट पावर परचेजिंग पावर पैरिटी की थियोरी यूज करते समय किसी भी कंट्री में सपोज इंडिया में प्राइस बढ़ गई क्योंकि यहाँ गुड्स सपोज प्राइस पेट्रोल का बढ़ा डीजल का बढ़ा तो इनडायरेक्टली हम देखते हैं हमारी बहुत सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस राइज़ हो जाता है और उसकी वजह से हमारे बजट पे हमारे वॉलेट पे ज़्यादा प्रेशर आता है एंड वी हैव टू पे द हायर प्राइजेस तो उस समय हमारा परचेजिंग पावर फोर थाउजेंड सपोज फाइव हंड्रेड का हो गया लेकिन अमेरिका में तो सेम सौ डॉलर का है तो यहाँ पे हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो गया बच्चों वन डॉलर फोर्टी फाइव इंडियन करेंसी बिकेम वीकर और डॉलर हो गया स्ट्रॉन्गर क्लियर बचो इसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर के बेसिस पे दो करेंसीज को एक्सचेंज रेट डिसाइड करना यानी दो डिफरेंट करेंसीज हैं इनका एक्सचेंज रेट हम कैसे डिसाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि जब हम एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी देखते हैं तो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है बिटवीन टू करेंसी ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज विच इज डिस परचेजिंग पावर इट मीन्स द एक्सचेंज रेट विल बी डिटरमाइंड एट द प्लेस जहाँ पे इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ वन कंट्री इज इक्वल टू द इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ अदर कंट्री क्लियर बच्चों ना अब आते हैं लिमिटेशन इस थियरी के लिमिटेशन क्या हैं अब पहला पहला है द कम्पोजिशन ऑफ गुड्स इन बास्केट पहला पहला जो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे इस थियरी को फॉलो करते समय गस्टव कासल ने क्या लिया कि जो गुड्स उसने सेलेक्ट किए या सर्विसेज जो उसने सेलेक्ट किए इन बोथ द कंट्रीज़ इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड उसने अज्यूम किया कि इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ द कंट्रीज लेकिन जब हम एक्चुअल में देखते हैं तो देयर इज़ सो मेनी डिफरेंसेस इन बिटवीन द टू कंट्रीज़ का क्वालिटी हो क्वांटिटी हो क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन पैटर्न्स जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं चाहे हम मिल्क की बात कर रहे हैं ब्रेड की बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ में बहुत डिफरेंसेस रहता है क्वालिटी हो क्वांटिटी हो तो टाइम वी फील कि इट इज़ हाईली अनलाइकली ये बहुत अनलाइकली है दैट ईच ट्रेडेड गुड्स जो दोनों कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रहा है फिर भी दोनों कंट्रीज़ ट्रेड कर रहे हैं मिल्क यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है फिर भी मैं ट्रेडिंग में उसको भेज रही हूँ या ब्रेड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर भी हम ट्रेडिंग में उसको यूज़ कर रहे हैं शर्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर भी हम ट्रेडिंग में यूज़ कर रहे हैं सो वेन इट इज़ वेरी अनलाइकली वैन वी विल सी द परचेजिंग पावर का थियोरी क्योंकि जो चीज़ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो दोनों कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन दोनों कंट्रीज़ के क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है तो जो हमारा कंडीशन है कि वन प्राइस प्रवेल हो या उसने क्या कहा ऑल द कंसर्न गुड्स मस्ट बी होमोजीनियस तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है इसके लिए जो कंपोजिशन ऑफ गुड्स इन बास्केट हमने लिया टाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जो गुड्स सिलेक्टेड हैं कि इट मस्ट बी प्रोड्यूस इन बोथ द कंट्रीज बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट मैंने क्या कहा इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली दैट ईच ट्रेडेड गुड्स विच आर प्रोड्यूस इन बोथ कंट्रीज एंड वी आर ट्रेडिंग दोज गुड्स जहाँ दोनों कमोडिटीज गुड्स की सर्विसेज की जो क्वालिटी है क्वांटिटी है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्रीज और वो अफेक्ट होता है रॉ मटेरियल का इफेक्ट देखें ये टेक्नोलॉजी का इफेक्ट देखें या सम टाइम वी विल सी दैट कि वहाँ पे लेबर की जो इफिशेंसी है वो भी अफेक्ट करती है तो फर्स्ट वन रहता है कंपोजिशन ऑफ गुड्स इन अ बास्केट सेकेंड है प्राइसिस ऑफ नॉन ट्रेडेड गुड्स आर निगलेक्टेड क्योंकि इस बास्केट में जो बास्केट हम ले रहे हैं बच्चों उस बास्केट में हम क्या ले रहे हैं जो गुड्स हम ट्रेडेड कर रहे हैं क्योंकि हमने इस थियरी में क्या देखा कि डोमेस्टिक करेंसी जो हम डिसाइड कर रहे हैं जो हम दूसरे देश के परचेजिंग पावर से कंपेयर करके देख रहे हैं व्हाट एवर गुड्स एंड सर्विसेज वी हैव टेकन इन द बास्केट ऑफ इंडिया एंड वॉट एवर गुड्स एंड सर्विस दोनों को हमने कंपेयर करके देखा तो वी गेट द परचेजिंग पावर पैरिटी बराबर लेकिन जो गुड्स हमने ट्रेडेडी नहीं किए दीज आर निगलेक्टेड बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रेडेडी नहीं होती हैं लेकिन उन गुड्स को यानी उनको हमने परचेजिंग पावर पैरिटी के थियोरी में इंक्लूड नहीं किया तो वो गुड्स जो है वो निगलेक्ट हो गए तो जो प्राइसेस ऑफ नॉन ट्रेडेड गुड्स है वो तो निगलेक्ट हो गए जो ट्रेडेड हैं वो इंक्लूड हो गए जो नॉन ट्रेडेड है वो एक्सक्लूडेड हो गए ओके बच्चों थर्ड हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिजम्स हैं क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं इस थियरी का जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है कैपिटल अकाउंट इज निगलेक्टेड क्योंकि इसमें हमने क्या देखा खाली करंट अकाउंट करंट अकाउंट में जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स का सर्विसेज का वही हम डील कर रहे हैं बट व्हाट अबाउट द कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट को तो हमने कंसिडर ही नहीं किया जो हमारे इकनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट इनफ्लो है या आउटफ्लो है तो जो हमारे इनफ्लो ऑफ कैपिटल है आउटफ्लो ऑफ कैपिटल है जिसकी वजह से हमारी इकनॉमी में ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्शन पॉसिबल है उसको हमने क्या कर दिया बच्चों इग्नोर कर दिया और ये हर इकनॉमी का एक लाइफ ब्लड है जितना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा वेदर वी आर के टेकिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या वी आर लेंडिंग टू अब्रॉड हम दे रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल आता है मीडियम टर्म है लॉन्ग टर्म कैपिटल है पर ये ट्रांजेक्शन तो इस थियरी में आया ही नहीं बिकॉज गस्टर का फोकस्ड मेनली ऑन परचेजिंग पावर यानी कैपिटल अकाउंट जो है वो निगलेक्ट हो गया ही ओनली गिव इम्पॉर्टेंस टू करंट अकाउंट उसने करंट अकाउंट को जो है वो ज़्यादा दी दिया नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो भी निगलेक्टेड हो गए क्योंकि हमने वही गुड्स लिए जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सारे क्योंकि ट्रेडेड गुड्स जो है वही थियरीज में हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया और वो भी हम लोगों ने वही गुड्स जो हम दोनों बास्केट में सेम देख रहे हैं दोनों कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हीं के प्राइसेस को हमने क्या किया बच्चों इक्वलाइज किया बराबर लेकिन ऐसे भी कुछ फैक्टर्स हैं यानी पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं सोशल फैक्टर्स हैं ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो आपके इस एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट करते हैं लेकिन ऑल दोस नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को हमने क्या कर दिया निकलेक्ट कर दिया ओके बच्चों नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट और अदर रिस्ट्रिक्शंस आर निगलेक्ट ये हमारा पहला पहला जो हमने एजम्शन लिया कि देयर इज नो ट्रेड बैरियर बिटवीन द कंट्री दोनों कंट्रीज के बीच में कोई ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर कंट्री अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को रेक्टिफाई करना चाहती है इक्वलिब्रियम लेवल पे आना चाहती है एंड टू करेक्ट देयर बीओपी पोजीशन दे हैव टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन उन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शन तो रखना ही पड़ेगा मैंने कहा टैरिफ का होता है या कोटास का रिस्ट्रिक्शंस होता है कभी कभी हम एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज देते हैं अलाउंसेस देते हैं तो ट्रांसपोर्ट कास्ट इसमें इन्वॉल्व होती है जो में उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया तो हमारा जो ये पूरा डिफरेंट ट्रेड रहता है वो बहुत से फैक्टर्स से अफेक्टेड रहता है लेकिन इस थ्योरी में ये सारे फैक्टर्स इग्नोर किए गए बराबर बच्चों नेक्स्ट था डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर नाउ ये एक परेशानी आती है क्योंकि जब हम कहते हैं ना प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो इंडेक्स्ड मस्ट बी इन द सेम ईयर सेम टाइम पीरियड पे हम प्राइस इंडेक्स तो कैलकुलेट करते हैं बच्चों लेकिन प्राइस इंडेक्स जो है जो एक स्टैटिस्टिकल टूल है हम कर भी चुके हैं लेकिन इसको कैलकुलेट करना इज़ नॉट ए इजी टास्क क्योंकि जब हम प्राइस इंडेक्स भी हम लोग कंसिडर करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो वेरी फ्यू लिमिटेड सेलेक्टेड कमोडिटीज जो है वो हम इसमें लेते हैं लेकिन देर आर एक्चुअली सो मैनी कमोडिटीज थाउजेंड्स में कमोडिटीज़ हैं लेकिन वो तो सब इग्नोर हो जाती हैं फ्यू लेक्टेड कमोडिटीज हैं जिनका प्राइस लेवल जो है हम उसमें कंसिडर करते हैं और फिर उसको फार्मूला में हम यूज करके प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो हम देखते हैं इसमें जो सैंपल्स हमने लिया यानी हम वी आर बायस्ड जो मैंने ट्रेडेड किया जो मैंने चूज किया बस वही उस प्राइस के इंडेक्स नंबर में दिखाई देते हैं तो इसके लिए कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा भी कहना है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू तो कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स क्योंकि वी यूज टू टेक सम फ्यू कमोडिटीज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द कमोलिटीज एंड वन मोर थिंग मेजोरिटी ऑफ द इकोमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है दे आर टोटली फेवर क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट हमने क्या कहा प्रैक्टिकली देखते हैं तो क्या है वन डॉलर इज इक्वल टू एटी बराबर लेकिन परचेजिंग पावर से लोअर वो कम आ रहा है तो ये हम कंपेयर किसमें करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है डेवलपमेंट कितना है जीडीपी को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी क्या है इंडियन इकोनॉमी है जो थर्ड रैंक पे है आफ्टर यूएस चाइना देन इंडिया तो हम काफी अच्छी तरह से परचेजिंग पावर पर ग्रो करते हैं लेकिन जब एक्चुअली में एक्सचेंज रेट करेंसी कन्वर्ट होती है एक देश का परचेजिंग पावर दूसरे देश के परचेजिंग पावर में कन्वर्ट होता है तो इट विल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस जहाँ पर डिमांड का सप्लाई का को करता है एंड इट इज़ जनरली हायर देन दिस परचेजिंग पावर वो उससे ज़्यादा होता है तो इस तरह से ये है परचेजिंग पावर जहाँ पे हम देखते हैं कि डोमेस्टिक करेंसी ऑफ वन नेशन इट इज एक्सचेंज विथ द फॉरेन करेंसी लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डोमेस्टिक परचेजिंग पावर जो है वो एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है विथ फॉरेन कंट्री का करेंसी क्योंकि यहाँ पे मेन फैक्टर जो रहता है एक्सचेंज रेट जब हम डिसाइड करते हैं वो क्या है आपका दैट इज द रिलेटिव प्राइस लेवल ऑफ द टू कंट्रीज दोनों देश के बीच में जो रिलेटिव प्राइजेज हैं जो हम एक कंट्री में पे कर रहे हैं दूसरे कंट्री में पे करें और दोनों के परचेजिंग पावर को इक्वेट कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग द परचेजिंग पावर पैरट ओके बच्चों तो किसने डेवलप किया गस्टव कासल ने डेवलप किया जिसने लॉन्ग टर्म इक्लेब्रियम लेवल पे इस थियोरी को प्रमोट किया यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्री इज डिटरमाइंड इन देयर परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू गस्टव ऑफ कासिल की परचेसिंग पावर जो है वो टू डिफरेंट कंट्रीज का हम कंपेयर करते हैं विद द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन अ सिंगल कमोडिटी तो इंटरनल परचेसिंग पावर ऑफ इंडिया अपॉन अ That is internal purchasing power of USA. और इसके लिमिटेशन भी हमने देखे जो छह लिमिटेशन देखे सात लिमिटेशन यानी कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस ऑफ बास्केट हमने देखा दोनों कंट्रीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो और फिर भी उनको ट्रेडिट किया जा रहा है तो इट इज हाईली अनलाइकली टू एक्सचेंज दीज दो विच आर प्रोड्यूज इन बोथ कंट्री दोनों कंट्रीज में प्रोड्यूस भी हो रहे हैं फिर भी वो जो है ट्रेडिंग में जा रहे हैं जबकि एक्चुअली दोनों कंट्रीज़ का क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत डिफरेंसेस है प्राइसेस ऑफ नॉन ट्रेडेड गुड्स को इंक्लूड ही नहीं किया कैपिटल अकाउंट को तो हमने निगलैक्ट ही कर दिया और यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस वो भी इसमें इंक्लूड नहीं हुई देन हमने देखा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं सोशल फैक्टर्स हैं ह्यूमन फैक्टर्स हैं हमारा इनोवेशन फैक्टर है उन सबको हमने निगलैक्ट कर दिया देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं टैरिफ की कोटा की ट्रांसपोर्ट की सब्सिडीज़ हैं अलाउंसेज हैं वो भी इग्नोर कर दिया और डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर और फाइनली हम अपना एक्सचेंज रेट कैसे निकालते हैं बच्चों बाय मार्केट फोर्सेस जहां डिमांड्स जो क है फॉर फॉरेन करेंसी इंटरसे करता है सप्लाई कर को ओके okay बच्चों तो इस तरह से आपके टी वाई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो बहुत ईजी है दैट इज़ व्हाट इज़ द एब्सल्यूट वर्जन ऑफ ट्रिपल पी थियरी ओके okay, बच्चों तो जिस तरह से मैंने डिस्कस किया इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन अ वेरी इजी वे इन माय नोट्स लिखना बहुत आसान हो जाएगा एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड इफ़ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू